अक्सर हमने ऐसी खबरें सुनी हैं कि जहरीले सांप के काटने से इंसान की मौत हो गई, लेकिन अब एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसमें जिस शख्स को सांप ने काटा वो शख्स तो ठीक है, लेकिन काटने के बाद सांप तड़प तड़प कर मर गया। सबसे बड़ी बात, वो सांप जहरीला था, बावजूद उसके शख्स की मौत नहीं हुई और सांप की मौत हो गई। सांप जहाँ फुली ग्रोन था, बड़ा सांप था, वहीं सांप ने जिसे काटा वो एक बच्चा था, 4 साल का बच्चा। 4 साल का ये बच्चा अपनी नानी के घर गया था। इसी दौरान आंगन में वो खेल रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया। बच्चा रोता हुआ अंदर मम्मी के पास गया। मम्मी ने जब बच्चे से पूछा क्या हुआ तो बच्चे ने पूरी कहानी बताई, जिसके बाद माँ बाहर आंगन में गई और देखा कि सांप तड़प रहा है और कुछ देर तड़पने के बाद उस सांप की मौत हो गई। लेकिन बच्चा वैसा का वैसा रहा। थोड़ी ही देर में बच्चा तो खेलने लगा, हंसने लगा, उसे कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन परिवार वाले हैरान थे कि आखिर जहरीला सांप होने के बावजूद कैसे बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ। यही कारण है कि अपनी शंका को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास परिवार वाले पहुंचे, बच्चा भी उनके साथ था और एक डिब्बे में सांप को भी साथ लेकर गए, जिसके बाद डॉक्टर से चेकअप करवाया। प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने जो जानकारी दी है उसमें डॉक्टर का मानना है कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग थी। यही कारण है कि सांप का जहर बच्चे को कुछ नहीं कर पाया और उस स्ट्रांग इम्यूनिटी के कारण ही खुद सांप मर गया है। ये इम्यूनिटी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से होती है। इस बच्चे की अच्छी खासी इम्यूनिटी के कारण ही ये बच्चा बच पाया है। हालांकि ये डॉक्टर्स ने बताया है, इस पूरे बात पर अभी मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन गांव में जिस किसी ने ये बात सुनी वो हैरान रह गया कि कैसे इतना जहरीला सांप होने के बावजूद बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ये मामला बिहार के गोपालगंज का है, वहां पर गेहुअन प्रजाति के सांप ने बच्चे को काटा था।